भगवान शिव को सावन महीना बहुत पसंद है। इस महीने में लोग भगवान शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ इस महीने में की गई पूजा को बहुत जल्द स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा दक्ष के दामाद थे। चंद्रमा ने एक बार अपने ससुर दक्ष की आज्ञा को नहीं माना, जिसके चलते दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा प्रकाश कम होता जाएगा। दक्ष द्वारा अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दिए जाने के कारण ऋषि मुनि और देवता बहुत ही चिंतित हो गए। देवताओं ने दक्ष से श्राप वापस लेने को कहा। तब दक्ष ने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में नहाने पर श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम यानी चंद्रमा ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में नहाकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की। चंद्रमा की पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और यहाँ सोमनाथ के नाम से अवतरित हुए। सोमनाथ यहाँ अवतरित होकर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार जो मानव या जातक सोमनाथ की कथा को सुनता या सुनाता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की कथा सुनने और सुनाने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मानव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करता है उस व्यक्ति पर शिव और चंद्रमा दोनों की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोम यानी चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा के खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर रहता है और शिव इस जगत के सार हैं। उनकी कृपा से मानव जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर उनके धाम को चला जाता है।